What does the graph say? मंडे है, सुबह के 8:04 हो रहे हैं। जैसे कि नया वीक शुरू हो रहा है, पहला ट्रेडिंग सेशन है। लास्ट वीक, लास्ट मंथ हमने देखा निफ्टी में ज़बरदस्त तेज़ी शुरू हो गई है, लेकिन अभी 3-4 दिनों से एक वीक कैंडल फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि बुल्स जो है अभी भी हिम्मत नहीं हार रहे, हर एक डीप पे, हर एक करेक्शन पे हमें ज़बरदस्त बाइंग देखने को मिल रही है, और ऊपर में एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। अगर ये ब्रेक करता है, उसके ऊपर डिसीजिव मूव आता है, तो हमें और भी निफ्टी इंडेक्स में तेज़ी देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी आज के लिए इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकती है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेंगे और FII और DII का एक्टिविटी इस महीने में, लास्ट कुछ मंथ्स में कैसे चल रहा है वो भी एक बार देख लेंगे। काफ़ी ज़रूरी है उनका एक्टिविटी भी देखना, क्योंकि ओवरऑल जो बिग बुल्स है, बिग प्लेयर्स है मार्केट में, वो क्या कर रहे हैं वो भी एक बार एनालिसिस करना काफ़ी ज़रूरी होता है। सबसे पहले फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करेंगे। ये एक पिक्चर है 1 नवंबर आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। अगर आपने हमारा फ्राइडे का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो फ्राइडे के एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,897 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,833। तो ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। काफ़ी स्लगिश, काफ़ी चॉपी मार्केट था फ्राइडे को। निफ्टी जैसे ही ओपन हुआ तो हमारा ब्रेकआउट लेवल ब्रेक करने के बाद इसने हमारा फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट अचीव कर लिया था। तो यहाँ पर हाई निफ्टी ने लगाया था 11,918 और उसके बाद निफ्टी काफ़ी देर तक एक स्लगिश पैटर्न में, साइडवेज पैटर्न में ये ट्रेड कर रहा था। दो बार इसने ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की, ये देखिए, और इस लेवल को पेनिट्रेट करते रहा, तो काफ़ी एक्यूरेट ये लेवल भी साबित हुआ था। और फ्राइडे के एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो 12 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 9,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। चलते हैं ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते। फ्राइडे अमेरिकी बाजार देखे तो ज़बरदस्त तेज़ी के साथ बंद हुए डाउ जोन्स और नासडैक, और यूरोपियन मार्केट देखे, लंदन मार्केट, फ्रांस मार्केट और जर्मन मार्केट भी तो हरे निशान के साथ बंद हुए थे फ्राइडे को। आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो जापान में छुट्टी है, निक्के इंडेक्स बंद है आज। चाइना मार्केट और हांगकॉन्ग मार्केट में तेज़ी देखने को मिल रही है। डाउ फ्यूचर देखे तो 52 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है, और SGX निफ्टी हल्की सी बढ़त के साथ 23 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से तो पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। उससे पहले FII और DII का चार्ट देख लेते हैं। ये लास्ट 6 मंथ्स का FII वर्सेस DII का ये डेटा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, ये मंथ लिखे हुए, उसके बाद का कॉलम है ग्रॉस परचेस, उसके बाद है ग्रॉस सेल्स और उसके बाद है नेट परचेस। तो आप देख सकते हैं सितंबर, अगस्त, जुलाई और जून में ये जो नेट परचेस और सेल का ये जो कॉलम है ये माइनस हमें निगेटिव शो कर रहा था FII का, और अभी लास्ट मंथ जो है अक्टूबर 2019 ये फिगर पॉजिटिव बन गया है। तो यानी FII का भी यहाँ पर बाइंग शुरू हो गया है इंडियन मार्केट में। तो ये एक पॉजिटिव साइन है इंडियन मार्केट के लिए, क्योंकि बाहर के जो FIIs है, इन्वेस्टर्स है, वो पॉजिटिव अप्रोच के साथ इंडियन मार्केट्स को देख रहे हैं। तो आने वाले समय में, अभी 2019 चल रहा है, जो गवर्नमेंट है NDA का, उसका मेजॉरिटी सिर्फ लोकसभा में है, राज्यसभा में नहीं है। तो 2020 तक अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर राज्यसभा में भी NDA को बहुमत, मेजॉरिटी मिलती है, तो आने वाले बिल काफ़ी जल्दी और भी पास होंगे, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकते हैं। तो अभी फिलहाल टेक्निकली लेवल्स हमें क्या सजेस्ट करते हैं, आज के लिए इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकती है ये देखेंगे। उससे पहले एक नोट है, हम नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं कमोडिटी के लिए। तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल्स है, इक्विटी है, बैंक निफ्टी है, ऑप्शंस है, तो फ्यूचर का भी एक टेलीग्राम हमारा चैनल है इंट्राडे के लिए, वहाँ पर हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आपके साथ शेयर करते हैं। तो कमोडिटी सेगमेंट के लिए स्पेशली क्रूड ऑयल के लिए जो इंट्राडे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ है वो हम हमारे
टेलीग्राम चैनल में लाइव मार्केट में आपके साथ शेयर करते हैं, तो आप हमारा वो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आपको सिर्फ टेलीग्राम चैनल अपने मोबाइल के ऊपर डाउनलोड करना है, टेलीग्राम ऐप, और उस लिंक को क्लिक करना है ताकि आप उस चैनल में ऐड हो सके। तो ये एब्सोल्युटली फ्री है, आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल हमारा। तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। ये वीकली चार्ट निफ्टी का, यहाँ पर हमने फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल्स को ड्रॉ किया था क्योंकि आने वाले लेवल्स को हम प्रोजेक्ट कर सके। तो वन बाय वन ये लेवल्स अचीव होते जा रहे हैं। अभी ये जो 76.4 का लेवल है, यहाँ पर ही लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन जोन बना था। यहाँ पर हमने ये पैटर्न को आइडेंटिफाई किया था जिसका नाम है कप एंड हैंडल। ये कप का एरिया और ये उसके हैंडल का एरिया, और उसके नेक लाइन का भी यहाँ पर ब्रेकआउट मिल चुका है। तो ये ब्रेकआउट मिलने के बाद और भी तेजी हमें देखने को मिली। तो हो सकता है अगर यहाँ से करेक्शन आए तो ये नेक लाइन का सपोर्ट टेस्ट करने यहाँ तक आ सकता है और फिर यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिखाएगा। तो ये जनरली ऐसा पैटर्न बनता है, ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये पैटर्न जो है वो काफ़ी बुलिश है। अभी यहाँ पर अगर लास्ट वीक का हाई अगर कंफर्टेबली ब्रेक करता है 11,945 का, तो और भी निफ्टी में अपसाइड मूव हमें 12,000 के बाद देखने को मिल सकता है। तो वीकली चार्ट एक्सट्रीम बुलिश स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट की अगर बात करें तो लास्ट कंसेक्यूटिव टू डेज यहाँ पर ये दोजी कैंडल फॉर्मेशन दिखा रहा है। इससे पहले हैंगिंग मैन कैंडल दिखाया था लेकिन कंफर्मेशन नहीं मिला था, सिर्फ सिग्नल दिया था। उसके बाद अभी ये दो दिन डोजी पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, यानी इनडिसिजिव पैटर्न है। बुल्स और बेयर्स में काफी जबरदस्त फाइट हो रही है। बुल्स भी जो इंडेक्स है उसे नीचे जाने नहीं दे रहे और बेयर्स ऊपर में यहाँ पर जबरदस्त सेलिंग दिखा रहे। ऊपर की लेवल ये क्रॉस करता है, यानी ये जो यहाँ पर हमने देखा एक गैप यहाँ पर क्रिएट हुई थी, ये पास्ट में अगर देखे ये जो गैप है इसका ये सपोर्ट यहाँ पर ले सकते हैं, और सपोर्ट लेने के बाद ये यहाँ से बाउंस बैक और भी टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ दिखा सकता है। लेकिन अगर ये जो यहाँ से फॉल आया था, ये जो कैंडल है यहाँ से जो फॉल आया था यानी 11,975 के ऊपर, अगर ये कंफर्टेबली सस्टेन करता है तो हमें और भी निफ्टी में आने वाले दिनों में ज़बरदस्त अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है। अभी जो स्ट्रक्चर वीकली चार्ट में बन रहा था मूविंग एवरेजेस का, यानी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, ये तीनों भी डेली चार्ट में भी असेंडिंग ऑर्डर्स में है और इसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स ट्रेड हो रहा है, यानी ये एक्सट्रीम बुलिश स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन जो कैंडल्स है ये हमें इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर बुल्स का जो स्ट्रेंथ है वो कम हो रहा है, लेकिन बुल्स भी है लास्ट दो दिन से हार मानने को तैयार नहीं है। तो वेट एंड वॉच करें, अगर ऊपरी लेवल्स पे सस्टेन करता है तो ही ओवरनाइट के लिए लॉन्ग पोजीशन बनाए। इंडिकेशन है कि यहाँ पर बुल्स का स्ट्रेंथ कम हो रहा है, ठीक है। तो ये डेली और वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। आज के लिए इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। लास्ट टू डेज ये साइडवेज पैटर्न में चल रहा था, दोजी पैटर्न हमें देखा डेली चार्ट में। तो अभी आज के लिए अगर ये कल का जो हाई था यानी फ्राइडे का अगर ये ब्रेक करता है तो उसके ऊपर ये R1 का पिवट पॉइंट का लेवल है। तो इसके ऊपर 11,924 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,945 जो कि लास्ट वीक का हाई था, और उसके बाद सेकेंड टारगेट हमारा होगा 11,959। और अगर टूवर्ड्स साउथ की तरफ अगर ये मूव करता है तो ये जो पिवट पॉइंट का लेवल है यहाँ पर ही लास्ट हाफ एन आवर का ये जो बियरिश कैंडल बना था इसका लो भी यहाँ पर एग्जैक्ट है 11,882। तो ये जो लेवल है अगर ये ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,863। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा ये S1 का ये जो पिवट पॉइंट का लेवल है 11,849, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।